हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करना सीखेंगे पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है आज का, स्टडी द पाई चार्ट एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर 1960 स्टूडेंट्स इन द स्कूल हु ऑप्टेड गार्डनिंग एज ए हॉबी। इसके बेस हमें कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं। क्या लिखा है देखिए, नीचे दिए गए पाई चार्ट को पढ़िए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। स्कूल के 1960 विद्यार्थी बागवानी को अपने शौक के रूप में चुनते हैं। देखिए, इसको हम स्टडी करेंगे ध्यान से, तो यहाँ लिखा है ड्राइंग 23, बुक रीडिंग 11, पोट्री 3, फोटोग्राफ 12, गार्डनिंग 14, म्यूजिक 18, स्पोर्ट्स 19। अगर फ्रेंड्स हम इन सब को ऐड कर लें, 23 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 3, तो ये बराबर हो जाएगा 100 के। इसका मतलब ये हुआ कि गार्डनिंग जो स्टूडेंट करते हैं वो है 14 आउट ऑफ 100, 14% हुए। फोटोग्राफी करेंगे 12%। जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं वो 18% हुए। इसी तरह से ये बाकी भी है। अगर हमें टोटल स्टूडेंट्स का पता लग जाए तो हम नीचे दिए गए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो टोटल कैसे होंगे, हमें यहाँ पर दिया गया है स्कूल के 1960 विद्यार्थी बागवानी का शौक रखते हैं। मतलब अगर हम टोटल स्टूडेंट एक्स सपोज करें तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 14% ऑफ एक्स, 14% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1960। ये दिया हुआ है कि जो गार्डनिंग करते हैं बच्चे वो कितने हैं, 1960, और वो कितने होंगे 100 में से 14, मतलब 14% ऑफ एक्स। तो हम एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, 14% ऑफ एक्स का मतलब हुआ 14/100 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 1960, और एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 1960 इंटू 100/14। 14 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 14000, तो ये हो जाएगा 14000 मीन्स 14000। टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास 14000। तो देखिए हमने कैसे किया इसको, 14 ये टोटल किया हमने, ये 100 मिला, तो 14% ऑफ 100 इज इक्वल टू 1960। हमने यहाँ से 14% ऑफ एक्स यूज किया और एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली 14000। हम इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू टोटल स्टूडेंट यूनिटरी मेथड से कैसे निकलेंगे। अगर 14 बच्चे या विद्यार्थी बागवानी करते हैं तो कुल कितने हैं, कुल हमने निकाले हैं 100। अगर एक बच्चा बागवानी करेगा तो कुल हो जाएंगे 100/14। अगर 1960 बच्चे बागवानी करते हैं तो कुल हो जाएंगे हमारे पास, इसको 1960 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14000 टोटल स्टूडेंट्स होंगे। अब आगे चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न है कितने विद्यार्थियों की हॉबी चित्रकला या ड्राइंग है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ड्राइंग एज ए हॉबी। हमारे ऑप्शंस हैं 3200, 4200, 3220 या फिर 4220। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 23 दिया हुआ है, 100 में से 23 हैं तो 14000 में से कितने होंगे, ये आ जाएंगे 23/100 इंटू 14000। 14000 कहाँ से आया, कुल बच्चे या कुल विद्यार्थी, तो ये दो जीरो इसके साथ कैंसिल हो गई, 23 से 140 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर हमारा आंसर आ जाएगा 3220 बच्चे, और ये हमारा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है तो तीसरा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं,
इन सब को ऐड करके अभी हमने एक्स की वैल्यू जो निकाली थी वो है 14,000। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन 14,000, स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 14,000, ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल में कितने विद्यार्थी बुक रीडिंग के साथ साथ चित्रकला भी करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव देयर हॉबी ड्रॉइंग एज वेल एज बुक रीडिंग। देखिए यहाँ से ड्रॉइंग के लिए 23 है, 23% ऑफ 14,000, ये हो गया ड्रॉइंग के लिए, प्लस बुक रीडिंग 11/100 × 14,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये 14,000 है, एक जीरो बची रहेगी, यहाँ से भी दो कट जाएंगी, एक जीरो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 4,760। तो यही हमारा ऑप्शन डी है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों वाली हॉबी तथा सबसे कम विद्यार्थियों वाली हॉबी में कितना अंतर है। What is the difference between maximum number of students hobby and minimum number of students hobby? हमारे ऑप्शन हैं ये दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा हॉबी कहाँ है, 23, मतलब 23% ऑफ 14,000 माइनस सबसे कम है पोल्ट्री, 3% ऑफ 14,000। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ड्रॉइंग से तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 3220 माइनस यहाँ से 420, और दोनों का जो अंतर है वो आ जाएगा 2,400, और यही हमारा ऑप्शन सी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, पाई चार्ट को स्टडी करने के बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। आप ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।